सो फाइनली दोस्तों, एक तरफ जहां पे गदर टू गदर मचा रही है भाई साहब सन्नी देओल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म बाप और सूर्या को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल हो गया भाई। जनता पगला गई है कि भैया बाप का अपडेट लेकर आओ, सूर्या का अपडेट लेकर आओ, और बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कॉमेंट भी किया दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, बाप फिल्म की बहुत सारी अपडेट लेकर आया हूं, और एक ऐसी अपडेट जिससे दोस्तों आपका दिन और रात दोनों ही बन जाएंगे। भाई लोगों, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट जरूर करना, और अपने भाई रवि चौधरी को इसी तरह प्यार और कमेंट भर भर के करते रहो यार। आइए शुरू करते हैं। तो भैया सन्नी देओल ने झंडे गाड़ दिए, पंप उखाड़ दिए हैं, हैंडपंप उखाड़ दिए, उसके बाद दोस्तों बाप फिल्म, जी हां दोस्तों, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई साहब ये फिल्म 2024 में आएगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाई साहब इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक चौहान और फिल्म मेकर जी स्टूडियो और साथ ही साथ अहमद खान ने फैसला लिया है कि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, फिल्म में थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन फिल्म को रिलीज में वो किसी भी प्रकार से कमी नहीं चाहते दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म है। ये फिल्म दोस्तों कम से कम 100 करोड़ की लागत की फिल्म है, राइटर जोजो खान है, पैसा लगा है भैया जी स्टूडियो और अहमद खान का, और अहमद खान बता दूं दोस्तों, अहमद खान वही है जिन्होंने बागी, एयरलिफ्ट, ठीक है, मतलब जितने भी फिल्में बड़ी बड़ी एक्शन मसाला फिल्में है ना दोस्तों, सबका निर्माण और निर्देशक दोनों किया है। मतलब अहमद खान की एक नई फिल्म भी आ रही है, वेलकम टू जंगल, जी हाँ दोस्तों, 2024 के अक्टूबर में आ रही है, और उसके अंदर के स्टार कास्ट भाई साहब पूरा बॉलीवुड है, पूरा बॉलीवुड हायर कर लिया अहमद खान ने। मतलब जो स्टार आप सोचोगे, जो सेलिब्रिटी आप सोचोगे, जो आप एक्टर सोचोगे, वो वेलकम टू जंगल के अनाउंसमेंट वीडियो मैंने देखी थी अहमद खान की, भाई सारे है, सुनील शेट्टी से लेकर राजपाल यादव तक, अक्षय कुमार, मतलब सब कुछ है यार, सारे एक्टर सारी एक्ट्रेस है, रवीना टंडन भी है, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो बाप फिल्म को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इसका ट्रेलर कब तक आएगा, टीजर कब तक आएगा, आपको बता दो दोस्तों कि गुड न्यूज ये है फॉर ऑल द सनी देओल फैंस, टाइगर 3 फिल्म के साथ अटैच होकर आ सकता है बाप फिल्म का टीजर या ट्रेलर। भाई साहब ये मुझे सोर्सेस से पता चले हैं, और ये अभी कंफर्म नहीं किया है, हालांकि फिल्म मेकर ने कोई पोस्टर जारी नहीं किया इस पे, लेकिन 99% श्योर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सन्नी पाजी और संजय दत्त और इनफैक्ट जैकी श्रॉफ के रिलेशन भी काफी अच्छे हैं सलमान खान से, और सलमान खान इस मामले में कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं भैया, वो दिलदार बंदा है, और सन्नी देओल के साथ तो और भी दिलदार है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साहब सन्नी पाजी की ये जो फिल्म है बाप, इसका ट्रेलर या टीजर हमें नवंबर दिवाली पे देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ज्यादा गुड न्यूज है। साथ ही साथ कुछ और दोस्तों गुड न्यूज लेकर हम आपको बता दूं कि भाई साहब इसके अंदर हमारे जो कैरेक्टर है, जिस हिसाब से उनका गेटअप दिया गया है, चाहे सन्नी देओल का एज ए अर्जुन, क्या बोलते हैं जैकी श्रॉफ का, क्या बोलते हैं जय किशन, संजय दत्त का बल्लू, और भाई साहब मिथुन चक्रवर्ती का येड़ा भगत है, और साथ ही साथ जॉनी लीवर भी है कैमियो रोल में, सुनील शेट्टी भी नजर आएंगे, साथ ही साथ 80s-90s के बाप एक्शन मसाला, जी हाँ दोस्तों फिल्म तो होने वाली है, बड़े बड़े सुपरस्टार है, रवीना टंडन का आइटम सॉन्ग भी। इसके साथ ही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करे विवेक चौहान, हालांकि विवेक चौहान कोई बड़ी फिल्म के साथ डेब्यू उनका नहीं हुआ है, बट बाप फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि जितने भी स्टार हैं दोस्तों, चाहे संजय दत्त की बात करूं, सन्नी देओल की बात करूं, जैकी श्रॉफ की बात करूं, मिथुन चक्रवर्ती की बात करूं दोस्तों, इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, और अब की इनकी इनकी अपकमिंग फिल्में भी दोस्तों बहुत खतरनाक है। यहां तक संजय दत्त जवान में नजर आए, संजय दत्त लियो में काम कर रहे हैं, केजीएफ यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, तो भाई कुल मिला के बहुत मसाला एक्शन गैंगस्टर फिल्म होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों इस फिल्म की एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही है, यह फिल्म एक्शन कॉमेडी इमोशनल, साथ ही साथ रीयूनाइट हो रहा है 90s का जो भी गेटअप लिया गया है इन सभी स्टार्स का। दोस्तों आपको बता दूं कि अहमद खान, जैसे कि यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, सिंघम और अगेन रिटर्न, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं, अहमद खान इन 80s-90s के बड़े बड़े सुपरस्टार को लेकर बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स, और दोस्तों बाप जी दोस्तों एक गैंगस्टर यूनिवर्स की फिल्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों इनकी पूरी पास्ट की कहानी दिखाई जाएगी, और शायद क्या पता बाप का दूसरा पार्ट भी बने, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर तो आज की कहानी होगी और दूसरे पार्ट में पुरानी सारी कहानी हो सकती है हर एक बंदे के कैरेक्टर की, चाहे सन्नी देओल एज ए अर्जुन हो, जो जिस फिल्म के अंदर उनका लुक था पट्टी बांध के, वो दोस्तों सारे कैरेक्टर उठाए गए हैं, मतलब एक बहुत बड़ी स्टोरी है, और ये फिल्म अहमद खान के डायरेक्शन में, उनके उनके देख रहे
देखरेख में, उनके प्रोडक्शंस में बन रही है, तो फिल्म में दोस्तों कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक्शन देखा है अहमद खान का। बागी फिल्म उठा लो, ठीक है भाई साहब, बागी फिल्म के अंदर इतने तगड़े एक्शन थे ना अहमद खान के, पूछो मत। ठीक है, तो भाई साहब कुल मिला के विलन की बात करूं तो विलन कहा जा रहा है मुकेश ऋषि, प्रकाश राज और साथ ही साथ आशीष विद्यार्थी तो होंगे होंगे। कहा जा रहा है शायद इसमें जगपति बाबू का भी कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक्ट्रेस की अभी चयन सही से नहीं हुआ, बट अमीषा पटेल का भी एक नाम एक आया है, रवीना टंडन का सिर्फ एक सॉन्ग में कैमियो है। स्टोरी बताया मैंने, गैंगस्टर फिल्म है, आज की जनरेशन के भी कुछ एक्टर होंगे लेकिन उसका अभी खुलासा नहीं हुआ दोस्तों। और साथ ही साथ कुल मिला के बताओ दोस्तों की बहुत एक्साइटमेंट हो रही इस फिल्म को देखने के लिए, और इसका ट्रेलर ऑब्वियसली यार वी आर एक्साइटेड टू सी विद टाइगर 3 के ट्रेलर आ जाए, और हो सकता है दोस्तों टीजर या ट्रेलर में से कुछ ना कुछ आएगा। दिसंबर के एंड में कुछ फैंस थ्योरी ये कह रही है कि डंकी फिल्म 2023 में आएगी, तो शायद दोस्तों डंकी के साथ क्लैश करेगी बाप फिल्म। अगर ऐसा हो भी जाएगा ना दोस्तों, तो भी मैं बता दूं आपको, बाप है ना डंकी की मार लेगी और डंकी डंकी बन के रह जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 100% श्योर 2024 में ही बाप फिल्म आएगी, और अभी हो सकता है कि कुछ फर्स्ट लुक पोस्टर अहमद खान जी को शेयर करने चाहिए। और सूर्या फिल्म भी तो आ रही है दोस्तों, जी हां दोस्तों, जोसेफ की रीमेक। तो कुल मिलाकर दोस्तों बाप फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और बाप फिल्म क्या लगता है बॉलीवुड पे 100 करोड़ की लागत की फिल्म है कितने करोड़ कमा सकती है, लाइक कमेंट कीजिए, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हिंदुस्तान जिंदाबाद।